अभी हम बस्ती में आए हैं और इनको कपड़े थे ना वो दे दिया है, और जितने बच्चे हैं ना, जितने बच्चे सुनो सबको देना है, सबको, ये नहीं कि अपना पास एक लेना, सबको, हाँ, और छोटे मतलब इन बच्चों के आ जाएंगे सबके, ठीक है। तो हमने कपड़े दे दिए गाइज, ये सब, ये दो बैग हैं, इसमें जितने भी कपड़े जिसके भी आते हैं ना सबको दे देना, सबनों दे दिया, मेरे लिए क्या होगा, ये छोटे बच्चों के हैं। हाँ, ये देखो गाइस, ये बस्ती है और इसमें हमने कपड़े दिए हैं, ये देखो गरीब बच्चे आदमी बेचारे। ठीक है, नहीं वाइफ चाय बना रही है सुबह की, धूप निकल गई है यार, अब चाय पीते हैं। चाय पत्ती डाल दिए, चीनी डाल दिए हैं, चाय के साथ में नाश्ता करते हैं, और नाश्ते में है नमकीन चावल, खाते हैं अभी। नमकीन चावल और खाते हैं गरम गरम चाय, गरम गरम ये नमकीन चावल खा के बताते हैं आपको कैसे बने हैं। बहुत बढ़िया बनेगा, ये मज़ा आ गया। चलो गाइस खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। गरम गरम चाय और चावल, नमकीन चावल। तो फैमिली अभी मैं धूप में बैठा हूँ कुर्सी डाल के, सामने सूरज है और सूरज की तरफ तो देखा नहीं जाता, और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और धूप भी है, बादल भी हैं, मज़े आ रहे हैं। मतलब कभी कभी तो विटामिन डी भी लेनी चाहिए। तो अभी धूप में बैठा हूँ कुर्सी डाल के, और बादल भी हैं, बादलों में सूर्य आता है तो ठंडी ठंडी हवा सर्दी लगती है। तो मैं अभी बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको, ये देखिए गाइस, सामने पेड़ है, दरख्त, ये नीम का है, ये पता नहीं कौन सा है, ये देखिए, ये पानी की टंकी है, और ये कोई यहाँ पर पता नहीं कौन सी सर्विस करते, क्या है? मतलब कौन किस चीज़ की है, मतलब कोई कंपनी है, ध्यान नहीं मेरे को। और ये देखिए बादल भी हैं, और सूरज देख लो गाइस कितना बढ़िया निकला हुआ है, और हवा देखो कितनी तेज चल रही है। वो झंडा कितना तेज उड़ रहा है, हवा इतनी तेज चले, देख लो। चलो गाइस फिर धूप का मजा लेते हैं, और शाम देख रहे हो ये तालाब है, और ये सामने ये इतर सोलर फोटो दी, ये शिव जी की फोटो है तालाब के ऊपर, बहुत बड़ी फोटो है ये मूर्ति। अभी चाय नाश्ता किया था, तो फिर मैं थोड़ी देर बाहर धूप में बैठते हैं। वाइफ अभी सफाई कर रही है,
ये वंश का कचरा देखो पूरी एक कापियों का पता नहीं क्या करता है फाड़ के, है ना। अभी झाड़ू लगा दिया है और अभी पोछा लगाएंगे मैं, फिर साफ सफाई का कंप्लीट हो जाएगी, है ना। अभी साइड में डस्टबिन रखा है, और ये फोटो देखो हमारी कितनी बढ़िया है। ये आदित्य है, ये वंश है, ये वाइफ है, ये मैं हूँ, ये सब, ये मेरे बर्थडे की है ना, ये बीच वाली हैं, और ये तेरे भाई की शादी की है ना, और ये आदित्य की बर्थडे की, ये वंश के बर्थडे की है ना, और बाकी तो ये घर की ऐसी मतलब खींची हुई, और ये कोरोना टाइप की है, मतलब टाइम की जिस टाइम पर कोरोना चल रहा था, आदित्य थे कैसे मोटा हो रहा था उस टाइम पर, बार बार शॉप नहीं खोल रहे थे तो नीचे नीचे ही कटिंग किए थे इन दोनों की, देखो बड़े बड़े बाल हो गए थे। फैमिली अभी दूध आ गया है, दूध लेने चलता हूँ। दूध आ गया रे, आया 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 आया, डेड। आगे क्या कर लियो? लग गई। वो हिसाब कर दिया क्या? हिसाब कर दिया? हिसाब को मेरे को ले। गेट को बंद कर देते हैं और अभी चलते हैं ऊपर। ये ले लिया गाइस, 1.5 किलो लेते हैं सुबह और शाम को आता जब 1 किलो लेते हैं, भैंस का दूध है। लो जी, सुन रख दे। और मैडम करिए बर्तन साफ। ये संतरे हैं भाई और अनार है, अनार हमारा वंश बड़े वो किसी से खाता है अनार को। चलते हैं बाहर। गाइस मैडम अभी खाना बनाना शुरू कर दिया है। क्या बना रही है? सब्जी। किस चीज की? देखो हरी मिर्ची काट रही है अभी और तड़का लगा रही है सब्जी में। गरम मसाला रखा है, हल्दी मिर्ची और रोटी बना ली। अभी राइस रोटी बनाएगी, अभी वंश आएगा 2:30 बजे तो 1:30 बज गए अभी, सॉरी 1:40 हो गए हैं। और ये लस्सी रखी है, ये काजल सामने रखी है, देखते हैं क्या कैसे लगता है तड़का।
के कपड़े हैं पिछले साल के, दो बैग हैं, तो किसी को दे देंगे, किसी का भला होगा। मतलब ये इधर पास में एक कच्ची बस्ती है, तो वहाँ दे के आएंगे। छोटे बच्चे पहन सकते हैं, मतलब 7-8 साल के, क्योंकि ये देखो नए बिल्कुल ऐसे इसके छोटे हो गए हैं। ये पैंट देखो नई है, और ये स्वेटर है ये देखिए, तो काफ़ी कपड़े हैं, गर्मियों के भी हैं, सर्दियों के भी हैं। तो इनको आज देख के आऊँगा, ये कच्ची बस्ती इधर ही पास में ही पिलानी में, तो इनको देख के आते हैं। ऐसे डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, बड़े बड़े मतलब तो किसी के काम आ जाएंगे, गरीब आदमी के बेचारे के। ये कच्ची बस्ती इधर, तो वहाँ देख के आएंगे आज। फैमिली अभी मैं किराना की दुकान पर जा रहा हूँ, सामने ही रोड है, राजगढ़ रोड पर है दुकान, तो कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। ये देखिए सामने जो ऑटो चल रही है वो रोड है राजगढ़ रोड, और ये देखिए बादल भी हो रखे हैं, कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। और ये प्ले स्कूल है, ये झंडा लगा हुआ है, ये प्ले स्कूल है गाइस। ये सामने रोड आ गया है, ये दुकानें हैं, अभी किराना की दुकान पर चलता हूँ। देखो रोड, राजगढ़ रोड, सामान जो लेना था वो ले लिया है, अभी चलता हूँ घर पर। हम घर चल के मिलते हैं अभी। गाइस सब्जी का तड़का लग गया है, और देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, खाएंगे जब पता लगेगा कैसी बनी है। और इधर मैडम आटा लगा रही है गेहूँ का, ये देखिए अभी वंश आएगा, 2 बज गए हैं, पर गरम गरम खाना खाएंगे। चलो इसको ढक देते हैं थाली से ऊपर। वंश आ गया है, हाय वंश, कैसे हो? अच्छा। कैसे रहा स्कूल? अच्छा। अस्ट था? ना। नहीं। अच्छा, और अब कब टेस्ट कब है? 10 फरवरी को है। तो गाइस वंश आ गया है स्कूल से, अभी 2:30 बज गए हैं, 2:30 है ना, और ये अभी कपड़े निकाल रहा है और फिर खाना खाएगा। तो फैमिली अभी खाना खाते हैं, 2:30 बज गए हैं, और वंश भी आ गया है, वंश भी खा रहा है अभी खाना, और मैं भी खाता हूँ खाना। गाइस वंश भी खाना खा रहा है अभी, कैसा है वंश खाना? अच्छा। सब्जी अच्छी। तो लस्सी, ये देखिए गाइस दही, सब्जी है जो आपको मैंने दिखाया था, और रोटी है गेहूँ की, ये देखिए। तो अभी गरम गरम खाते हैं खाना, और फिर मिलते हैं आपसे। अभी हम जा रहे हैं बस्ती में, तो ये देखे आ रहे हैं कपड़े, वाइफ और मैं दोनों जा रहे हैं। चले जे, अभी हमने दे दिया है, और अभी हम चलते हैं घर वापस। ये देखिए ये है पीछे बस्ती, फिलानी में पास में ही है, बस स्टैंड के पास में ही, तो हमने इसको दे दिया है, और अभी चलते हैं घर पर। गाइस अभी हम बस्ती में आए हैं, और इनको कपड़े थे ना वो दे दिया है, और जितने बच्चे हैं ना
जितने बच्चे सुनो सबको देना है, ठीक है, सबको, ये नहीं कि अपना पास एक लेना, सबको, हाँ, और छोटे मतलब इन बच्चों के आ जाएंगे सबके, ठीक है। तो हमने कपड़े दे दिए गाइस, ये सब, ये दो बैग हैं, इसमें जितने कपड़े जिसके भी आते हैं ना सबको दे देना, सबनों दे दिया। ये क्या कपड़े, ये छोटे बच्चों के हैं, हाँ, ये देखो गाइस, ये बस्ती है और इसमें हमने कपड़े दिए हैं, ये देखो गरीब बच्चे आदमी बेचारे, ठीक है, नहीं इकट्ठे ही नहीं आपकी बार लेके आएंगे, ठीक है, अभी कपड़े लेके आए, भगवान सुखी रखे जी, ओके, तुम्हें भगवान, गरीब आदमी बेचारे, चलते हैं गाइस। तो फैमिली वाइफ अभी पूजा कर रही है, जय बाबा जोड़नाथ की जय हो। जय हो बाबा जोड़नाथ की जय हो, जय बजरंग बली हनुमान की जय हो। तो गाइस पूजा हुई है और इधर दूध गर्म हो रहा है, अभी खाने की तैयारी है। और ये देखिए गाइस, आज कढ़ी बनाई है, कढ़ी बन गई है, दूध गर्म हो रहा है, और अभी रोटी बनाएगी। ये देखिए गाइस पिलानी का शाम का व्यू, लाइटें और देखिए तारे, ये देखो नजदीक से दिखाता हूँ मैं, तीन तारे, ये कौन किस क्या बोलते हैं इनको, ये तीन तारे, बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा, देखो देखो तारे, अभी चलते हैं अंदर, अभी आटा गूंद रही है, रोटी बनाने की तैयारी है। गेहूं का आटा लगा रही है, चला रहा है, वन सोमरक शुरू कर ले, हैं पक्का, फोन छोड़ दो, हाँ छोड़ दो, ठीक, 7 बजने वाले हैं, चलो। फैमिली अभी वंश कर रहा है अपना होमवर्क, मैथ का कर रहा है होमवर्क गाइस, ये देखिए, ये इसका मैथ है गाइस, कर लो पे हैं। फैमिली अभी खाना खाते हैं, शाम के 8:30 हो गए हैं और खाना खाते हैं अभी, एक कढ़ी और गेहूं रोटी है, और इसको आज मैडम से मैंने इसको मुरा दिया है, मतलब क्योंकि मेरी उंगली से इससे खाया नहीं जाता, एक इस हाथ से, तो चम्मच से खा लूँगा मतलब। तो ये देखिए गाइस, अभी इसको थोड़ा इसको मिला देते हैं और थोड़ा हो जाएगा ना नरम, जब खाएंगे फिर आएगा मज़ा। है ना, फिर आएगा मज़ा, ये थोड़ा हा, और गाइस ये है दूध, तो अभी खा के बताता हूँ कैसे बड़ा है कढ़ी, खाते हैं
और बताते हैं कढ़ी कैसे बनी है और इसमें रोटी चूर के खाने में कितना टेस्ट आता है। बहुत ही टेस्टी बनी है कढ़ी। तो चलो गाइस खा लेते हैं खाना, फिर मिलते हैं। YouTube फैमिली आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं और व्लॉग का एंड करें। उससे पहले गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, खासकर जो नए आने वाले हैं चैनल पर। वो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके फिर वीडियो को देखें और वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और गाइस आज हम गए थे इधर पिलानी में, चौपड़पट्टी में, ये वंश के जो कपड़े छोटे हो गए थे ना, जब सर्दियों के हो जाए गर्मियों के, वो वहाँ उस बस्ती में गए और उन बच्चों को देख के आए ताकि वो यूज कर सके। मतलब इसके बहुत सारे कपड़े ऐसे थे तो नए नए थे, मतलब छोटे हो गए, तो हमने सोचा कि ऐसे डालने से ऐसे तो कोई फायदा नहीं है, किसी काम आ जाएंगे। तो हम उस झोपड़पट्टी में गए, पिलानी में ही है झोपड़पट्टी बस स्टैंड के पास में, तो वहाँ पर उनको कपड़े दे के आए और फिर हम भाग घर वापस आ गए। तो गाइज आपको पसंद आएगा और हमने फिर उसका वीडियो भी बनाया है। तो वीडियो खास कर इसलिए बनाया ताकि मतलब जैसे आज हमने किया, तो ऐसे हर आदमी अगर बेचारे गरीब की हेल्प करे, उनको कुछ फायदा हो जाए, तो इसलिए हमने बढ़ाया ताकि लोग देखें। और जैसे आज यहाँ पिलानी में हैं और कोई भी हैं तो देखिए वो भी उनकी हेल्प करें। मतलब तो वीडियो बनाने का ये मकसद था। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आज की डेली रूटीन यही थी सुबह से शाम तक की, वो भी आपको पसंद आएगी। और ख़ासकर हम जो झोपड़पट्टी में गए और गरीब बच्चों को बेचारों को कपड़े दिए, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।